अभियंता के शर्मा ने अपने इस वर्ष के बजट को पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए लोगों के समक्ष रखा और भूतनाथ पुल को जल्द से जल्द बहाल करने का भी आश्वासन दिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं के शर्मा। 2022-23 का जो हमारा लक्ष्य है, इसमें जो हमें सड़कों के निर्माण के लिए, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने जो बजट प्रावधान किया है वह 82 करोड़ का, तो 82 करोड़ की लागत हमारे सड़कों और पुलों के निर्माण पे खर्च होगी, जिसमें कि हमारा लक्ष्य है कि 65 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे, मोटरेबल सड़कें बनाएंगे, 1.5 किलोमीटर जो है उसमें जीपेबल रोड बनेंगी, एक इसमें लगभग 62 किलोमीटर सड़क में जो है वो क्रॉस ड्रेनेज का कार्य किया जाएगा, 28 किलोमीटर सड़क में सोलिंग की जाएगी और इसकी सोलिंग की दूसरी परत जो है वो 44 किलोमीटर की जाएगी, 70 किलोमीटर सड़क में टारिंग की जाएगी नई सड़क में, और इसके साथ ही 106 किलोमीटर सड़क में जो है एनुअल सर्विसिंग की जाएगी। हालांकि इसमें लक्ष्य मैंने और भी निर्धारित किया, लगभग 60 किलोमीटर सड़क की और योजना हमने भेजी है स्वीकृति के लिए स्पेशल असिस्टेंस में, जिसमें कि हमारा उस डेस्टिनेशन है जिसको भी पक्का किया जा सकता है, तो उनके लिए जो है उसका हमने निर्धारण किया हुआ वो भी आ जाएगा इसमें, और 9 पुलों का निर्माण किया जाएगा और 8 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लगभग 50 करोड़ रुपए के हमारे भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो कि इस बार कम्प्लीट किया जाएगा। इसमें अब हमारी फाइनल स्टेज आई है, इस जो हमारे लास्ट ईयर से या पहले से जो इन्वेस्टिगेशन चली थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि यहाँ पर जो जहाँ झुकाव वाला स्थल है वहाँ पर एक पियर का निर्माण किया जाएगा, जो कि जो हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ एडिशनल है, और उसका डिज़ाइन फाइनल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी ने जो है हमें डिज़ाइन सबमिट कर दिया है और चीफ ऑफिस में वो चेक हो चुका है, जिसकी अप्रूवल वहाँ से उन्होंने कहा है कि ठीक है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। तो जो कंपनी के जो इंजीनियर हैं उनके साथ बातचीत हो गई है, उनको निर्देश दिया है कि 8-10 दिन में जो है वो इसका पुल का निर्माण कार्य पियर का शुरू कर दें, और उसके साथ ही जो बाकी रेट्रोफिटिंग का काम पुल का बचता है वो भी साथ साथ में शुरू कर दें। और हमारा इस बार लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम अगस्त अंत तक इस पुल को पूरी तरह से ठीक कर देंगे और उसके ऊपर से ट्रैफिक चालू कर देंगे।